हेलो नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होनी है, जिसमें बिहार सरकार ने नोटिस जारी कर दिया गया है। यहाँ पे शिक्षा विभाग ने 7376 और कंप्यूटर शिक्षकों के पद के लिए भेजा प्रस्ताव सभी उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में होंगे शिक्षक। हाई स्कूलों में होगी 9033 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती। राज्य के सभी 9360 उच्च और होंगे, यानी बिहार में 9360 उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूल है जिसमें कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होनी है। इसमें से अभी 327 कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत है, यानी 9033 में से 327 जो कंप्यूटर शिक्षक है वो स्कूल में कार्यरत है, यानी 9033 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने 7376 कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजन के लिए वित्त विभाग को भेज दिया है। इसके पहले 1657 कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजित हैं। माना जा रहा है कि वित्त विभाग की प्रशासी पदवर्ग समिति जल्द ही कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर सहमति मिल जाएगी। यानी ऐसा लग रहा है कि इस साल के अंत तक शिक्षा विभाग ने इस बहाली पर मुहर लगा देगी, इसका नोटिफिकेशन जाल के आवेदन ले लेगी, ऐसा लग रहा है। सातवें चरण के तहत हाई स्कूलों में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की वैकेंसी के साथ ही कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी निकलेगी। एसटीईटी 2019 में कंप्यूटर साइंस विषय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के 28463 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 17034 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए थे, यानी कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली के लिए योग्य माने जाएंगे। यानी एसटीईटी जो 2019 में कंप्यूटर साइंस के लिए दिए थे वो एसटीईटी इस कंप्यूटर शिक्षक की बहाली में योग्य माने जाएंगे। कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड होना अनिवार्य नहीं है, यानी इसमें बीएड नहीं मांगा गया है। कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा, यानी इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगा कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा होगा। एमएससी कंप्यूटर अभ्यर्थियों को एसटीईटी में शामिल होने का मौका दिया गया था। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के 2.25 करोड़ बच्चों को अप्रैल में किताब देने का शिक्षा विभाग का लक्ष्य है। यानी 1 से 8 तक 2.25 करोड़ बच्चों को, बिहार में 2.25 करोड़ 1 से 8 क्लास के बच्चे हैं जो अप्रैल में किताब देने का शिक्षा विभाग का लक्ष्य रखा गया, यानी उनको बुक दिया जाएगा। मार्च तक किताब छपाई कर प्रखंडों में पहुंचा देना है, यानी 2023 के मार्च तक हर एक प्रखंड में किताब छपाई होकर पहुँच जाएगी। किताब की छपाई और आपूर्ति के लिए 21 नवम्बर तक, यानी अभी जो 21 नवम्बर है इसके लिए का प्रावधान इसमें होगा, इस बहाली में आरक्षण का प्रावधान होगा। ऑनलाइन आवेदन मांगे, यानी इसमें अभी ऑनलाइन आवेदन नहीं इसका शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है ऐसे कुछ बहुत ही कुछ जल्दी ही इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली में भी सरकार के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान होगा, यानी सरकार का जो नियमानुसार है उसके साथ आरक्षण में वरीयता मिलेगी। शिक्षकों की बहाली के लिए भी आवेदन केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन ली जाएगी। अभी 327 कंप्यूटर शिक्षक नियोजित हैं, यानी अभी बिहार में 327 कंप्यूटर शिक्षक स्कूल में नियोजित हैं। हाई स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होने से बच्चों को कंप्यूटर ज्ञान के साथ अन्य विषयों की पढ़ाई की गुणवत्ता सुधार भी होगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप कुमार सिंह ने बताया कि सृजन का प्रस्ताव भेजा गया है। टीटी शिक्षक संघ के अमित विक्रम के अनुसार याचिका दायर की गई है। यही जानकारी थी। आप लोग कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, डाटा ऑपरेटर बनना चाहते हैं, तो आप लोग आज से ही तैयारी शुरू कर दें। ये बहाली बहुत ही जल्दी आने वाली है। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमको इसी से मोटिवेशन मिलता है, हम इस पर आगे भी वीडियो बनाती रहें। थैंक यू।